बैक टू आवर चैनल और आज है दुर्गा पूजा का आठवां दिन जो कि है अष्टमी। तो हम अभी गुड़गांव में हैं एंड वी आर डूइंग पंडाल हॉपिंग फॉर टू डेज एंड आज भी हम गए थे सुबह को पुष्पांजलि देने अष्टमी के दिन। तो हमने जितने भी पंडाल्स विजिट किए हैं गुड़गांव में आज के वीडियोस में आपको वॉच करने को मिलेगा। वैसे तो हम जमशेदपुर से हैं एंड वहाँ पे लार्ज स्केल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। वहाँ पे जो भी डेकोरेशन होता है पंडाल का एक थीम बेस्ड होता है, जैसे कि कोलकाता में होता है ना वैसे ही जमशेदपुर में भी होता है। तो गुड़गांव में वैसा तो नहीं होगा बट हमने फिर भी यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी सारे पंडाल्स देखे हैं। तो अगर आप भी गुड़गांव में हो और आपको भी पंडाल हॉपिंग करनी है ना तो आप भी ये सारे पंडाल्स देख सकते हो। वैसे तो अभी तक हमने बस 6 ही पंडाल्स देखे हैं एंड ये जो पंडाल्स है ना काफ़ी दूर दूर है, कोई कम्युनिटी में है, कोई हाउसिंग सोसाइटी में है। तो आप अगर जा रहे हो तो आपको ना मैप में ये सारी लोकेशन मिल जाएंगी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोकेशन कुछ और दिया रहता है मैप में एंड आप कहीं और पहुँच जाते हो। जैसे कि हमारे साथ कल हुआ था सेक्टर 43 में, कहीं और का लोकेशन था एंड हमें वहीं पे उतार दिया गया था कैब के लिए। जब भी आप जा रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप आसपास लोगों से थोड़ा सा पूछ पाछ के ही जाना, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे पंडाल्स हैं, आप देख सकते हो। अच्छा लगेगा आपको दुर्गा पूजा अगर आप यहाँ पे सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि घर पे बैठने से तो अच्छा है थोड़ा सा पंडाल ही देख लो, ठीक है। आप भी विजिट करो इन सारे पंडाल एंड मेक श्योर कि आप कमेंट करो कि आपने कौन कौन से पंडाल देखे हैं गुड़गांव में। इस दिन हमने दो पंडाल विजिट किए थे और वो था सेक्टर 56 में। पहला था बांग्या परिसर, तो ये जो पंडाल है ना काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी बड़ी ग्राउंड में है। तो यहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे, बच्चों की झूले की जगह है, देन यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे आपको बंगाली आइटम्स फूड स्टॉल्स होते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, मिठाई हो या फिर एग रोल हो, नूडल्स हो, चाउमिन हो, आप यहाँ पे जाके बंगाली जो भी टेस्ट होता है ना वो इंजॉय कर सकते हो। तो ये पंडाल जो था काफ़ी बिग एरिया में था, तो इसको यहाँ पे अगर जाओगे तो इंजॉय तो ज़रूर करोगे। नेक्स्ट हम गए थे केंद्रीय विहार, अगेन ये सेक्टर 56 में है। ये एक्चुअली एक कॉलोनी के अंदर है, इनका जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे ही इनका पूजा होता है। और एक चीज, यहाँ पे दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है नवरात्रि। तो नेक्स्ट डे सप्तमी के दिन हम गए थे पूर्वाबली दुर्गा बारी जो कि है सेक्टर 15 में। ये भी काफी बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, तो यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स भी हो रहे थे और फूड स्टॉल्स एंड क्लोथ स्टॉल्स भी लगे थे। तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो और खाना पीना का यहाँ पे फूड स्टॉल्स है जहाँ पे बंगाली स्टॉल्स भी लगे थे। तो आप, हाँ, बंगाली स्टॉल्स को छोड़ के यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग फूड के आइटम्स भी थे, जैसे कि मैंने देखा था राजस्थानी भी था। तो यहाँ पे आप कचौरी भी खा सकते हो, समोसे भी खा सकते हो, तो आप इंजॉय करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम गए थे मारुति विहार जो कि एक हाउसिंग कम्युनिटी है, ये एक छोटा सा ही कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे मोस्टली इनके सोसाइटी वाले ही पूजा सेलिब्रेट करते हैं। पर यहाँ पे काफ़ी सारे इनके ग्राउंड में कल्चरल इवेंट्स और ऐसे शॉप्स और स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो इस दिन हम लास्ट में गए थे सेक्टर 43 जो कि है सुशांत लोक 1 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसामी वे में थोड़ा सा कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था एंड इसका आप आइडल भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये वाइट साड़ी लाल पार में था जो कि हमारा बंगाली ट्रेडिशन का ऑथेंटिक साड़ी होता है। तो इसको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हो। तो ये 11 बज रहे थे एंड यहाँ पे लगातार फंक्शन सोए जा रहे थे। अष्टमी की सुबह पुष्पांजलि देने हम गए थे सेक्टर 46 के कम्युनिटी सेंटर में, यहाँ पे भी काफी रश था, लाइक सुबह के टाइम पे इतने सारे लोग आ रहे थे पुष्पांजलि देने। यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए, अगर आप इवनिंग में आते हो तो ये चालू रहेगा, बट हाँ अभी इसीलिए अभी सुबह है इसीलिए इतना ज्यादा कुछ खुला भी नहीं है। और हाँ, कल 23 अक्टूबर को सेक्टर 46 के कम्युनिटी सेंटर में ऐसे डांडिया नाइट भी है। तो अष्टमी की रात को हम गए थे सबसे पहले सेक्टर 45 के उत्सव सोशियो कल्चरल ट्रस्ट में। तो यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे यहाँ पे रामलीला हो रहा था जो कि छाव डांस होता है एंड ये जो ग्रुप आया था पुरुलिया से आया था और जो परफॉर्मेंस दिया था ना इन्होंने बहुत ही अच्छा था, लाइक आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंस थे, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल था एंड सिंगिंग था। तो अगर आप सेक्टर 45 में जाओगे तो कल्चरल इवेंट्स इंजॉय तो करोगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे फूड के स्टॉल्स भी है जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम गए थे DLF फेज़ 1, इनका कम्युनिटी हॉल में इनका दुर्गा पूजा हो रहा है। इनका कम्युनिटी हॉल जो है काफ़ी बड़ा सा ही है
एंड इनका जो डेकोरेशन था ये भी हमें बहुत अच्छा लगा. लाइक इन्होंने लाइट्स जो बास्केट में ऐसे करके लगाए हैं एंड द आम पत्ता वाला डेकोरेशन हमें बहुत अच्छा लगा. काफ़ी सारे ऐसे फोटोज वोटोज भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे इनके थीम के बेसिस पे. और अगर आप बाहर की तरफ जाओगे तो इनके काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए और प्रोग्राम भी हो रहे थे काफ़ी. हम लेट पहुँचे थे तो ऐसे कुछ एंड वेंड सा होने लगा था, बट हाँ आप यहाँ के प्रोग्राम्स का भी इंजॉय कर सकते हो. काफ़ी रश रहता है तो आप एक बार मतलब सही से देख लेना कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा विजिट करने के लिए. एंड हाँ आप यहाँ पे फूड स्टॉल्स का तो एंजॉय कर ही सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्राई किया था फिश चॉप और चिकन कटलेट एंड ऑल काफ़ी अच्छे थे. हम वैसे तो यहाँ पे और भी पंडाल्स हैं गुड़गांव में, तो अगर आपको और पंडाल्स विजिट करने हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट. ओके बाय.